नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले मणिकरण डैम। दोस्तों बहुत ही भयंकर बारिश हुई है मध्य प्रदेश में और पूरे डैम के डैम पूरे पूरे खुले हैं। इधर पुल से ऊपर पानी जा रहा है तो देखेंगे कि कितना डैम खुला है, मणिकरण डैम का कितने गेट खुले हैं और क्या स्थिति है, कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, और आपको पूरा डैम ऊपर से नीचे से सब तरीके से दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं मणिकरण डैम के नीचे। ये नीचे का नजारा है और ऊपर का भी आपको दिखाएंगे पूरा। आप देख सकते हो उधर डैम के गेट है, लेकिन दिखेगा नहीं आपको क्योंकि पानी की बौछारी इतनी भयंकर है। आप देख सकते हो ये, आप देखिए मेरा मोबाइल पर पानी पानी हो गया है। यहाँ आप लहरें देखिए, ये दोस्तों समंदर है, ये समंदर मणिकरण डैम नहीं, ये समंदर है। देखिए ये देखिए गजब का नजारा है। ये देखिए अभी पुल के पास चलेंगे हम दोस्तों। तो आज मैं केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। साथियों मेन चीज ये है कि ये जो डैम है यहाँ कोई आ नहीं पा रहा है क्योंकि रोक लगी हुई है और मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है, इसलिए मैं आया हूँ। आप देख सकते हो पूरा नजारा और ये सुंदर इतना नजारा दोस्तों की ऐसी लग रहा है कि मानो कि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि समंदर पे आ गए हो। देखिए आप लहरें देखिए एक बार, मेरे पूरा पानी पर मोबाइल पर पानी पानी हो गया है। आप देखिए ये देखिए लहरें, ये देखिए पूरा आप लहरें देखिए, और ये गेट देखिए, गेट आपको दिख ही नहीं पा रहा हूँ, गेट हम ऊपर से जाके दिखाएंगे आपको। दोस्तों आप भूल के भी यहाँ नहीं आइए क्योंकि बहुत खतरा है यहाँ पे और खतरे की जगह आपको आना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप यहाँ ना आए तो ठीक है। तो साथियों जैसे तो पूरे गेट पूरे खुले हुए हैं और जो नज़ारा दोस्तों मैंने अपने जीवन में ऐसे पहले कभी नहीं देखा, बहुत ही डरावना बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। बस इस वजह से दुआ यही है कि आज रात में पूरा पानी बहुत ज़्यादा ऊपर ना करे, नहीं तो ऐसा और भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा पानी निकाला जाए, और यदि ज़्यादा पानी निकाला जाएगा तो हो सकता है कुछ अनहोनी भी हो सकती है। लेकिन आपको तैयार रहना होगा, आप नदी के आसपास रहते हो, नदी के आसपास गाँव तो आप तैयार रहिएगा। लेकिन दोस्तों यदि कोई भी ज़्यादा पानी कहीं से भी ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है, मैं आपको अपने चैनल पर आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा कि आज बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा जाने वाला है। जैसे दोस्तों बने रहिएगा और टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा मणिकरण डैम, मोहनी डैम और हरसी डैम के रिगार्डिंग। दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह जो है वो मोहनी मणिकरण और हरसी इन दोनों के बीच में आती है और वहीं मेरी ड्यूटी है, वहीं मैं रहता हूँ। सो आप देख सकते हो मेरे साथ डिप्टी साहब भी आए हैं। ये डैम देखिए पूरा खुले हुए हैं और नज़ारा यहाँ तो अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन दोस्तों जिसके घर जिसका गाँव नदी के आसपास उसको ये नया देख के डर लगता है, हमेशा डर लगता है। पिछली साल जो बाढ़ आई थी तो पूरे गांव बह गए थे, वो बहुत ही दुखद घटना हुई थी। ऐसे तो ये मेन गेट है और ये हमारे डिप्टी साहब भी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आशा करता हूँ कि उनको भी अच्छा लग रहा होगा ये नज़ारा और आपको वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा इनको टाइम टू टाइम। आज 22 अगस्त 2022 है और दोस्तों टाइम है इवनिंग का 5:30 के समथिंग का टाइम है। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये जो है ये पुल है जिसके जस्ट बिल्कुल बराबर से पानी जा रहा है, नीचे अभी ऊपर से नहीं जा रहा है। लेकिन यदि और ज़्यादा पानी निकाला जाएगा तो दोस्तों ऊपर से भी पानी जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत हवा चल रही है तो बादल भी आने की संभावना है, और पानी ऊपर से निकल जाएगा तो तबाही बिल्कुल आ सकती है, लेकिन इसके चांस कम है। इसलिए बने रहिएगा, मस्त वीडियो देखिएगा और खुश रहिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा मणिकरण डैम, मोहनी डैम और डैम के रिगार्डिंग। तो साथियों मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है ये सब भयंकर नज़ारा देखकर, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये प्रकृति है, नेचर है, इससे खिलवाड़ करके ये हमने कंडीशन बनाई है, जगह जगह डैम बना के अगर जंगल काट के पेड़ काट के। तो मुझे उम्मीद है कि जो नज़ारा है दोस्तों बहुत अच्छा नज़ारा है, लेकिन दुखद होता है कि जो लोग गाँव जो नदी के आसपास रहते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम मणिकरण डैम के रिगार्डिंग अपडेट कराता रहूँगा, रात में क्या होने वाला है, कितना पानी छोड़ने वाला है, मैं अपने चैनल पर सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। दोस्तों बस बने रहिएगा, मस्त रहिएगा, मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मैं मोहनी डैम के जस्ट नीचे रहता हूँ और अभी एक पुल और है उसको देखने चलेंगे हम, नरवर का पुल है कि उस पर कितना पानी जा रहा है उसकी वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।